हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कर रहे हैं DSSB TGT मैथ्स की तैयारी। चोट लगने की वजह से दो दिन तक वीडियो नहीं अपलोड कर पाई मैं, बट आज फिर से हम स्टार्ट कर चुके हैं DSSB की तैयारी, तो रुकनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पिछले वीडियो में जो आपके क्वेश्चन रहते थे सोल्यूशन मैं करवा रही हूँ, होमवर्क मिला था वो, अगर आपने सोल्व किए हैं तो बढ़िया, नहीं तो आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, और ये 3 टर्म्स के अंदर एक वेरिएबल है, दैट इज n। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, और यहाँ पे भी n है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम जो है वो है एलसीएम लेना। तो 2, 4 और 6 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हमेशा फ्रैक्शन जो है वो एलसीएम लेके सॉल्व होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। 2, 4 और 6 का एलसीएम रहेगा 12। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 6। 6 को न्यूमरेटर n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6n। माइनस का साइन था यहाँ पे, तो ये फिर से लगा दिया हमने। अब 12 को डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9n। 12 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और यहाँ पे n एज इट इज इक्वल टू 21। अब देखिए ध्यान से, ये सब n वेरिएबल में है, और यहाँ पे 12 जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। अब इस 12 डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, मींस राइट हैंड साइड लेकर जाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर मींस ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इसको ऊपर वाले पार्ट को मींस न्यूमरेटर को हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे। 6n माइनस 9n होता है -3n प्लस 10n इज इक्वल टू 21। 12 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाय में 12। जब -3n प्लस 10n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7n। ऑल राइट, तो 21 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 252। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 फिर से यहाँ n के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई जो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 7 3 21, 7 6 42। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 36। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सॉल्व। इक्वेशन में जनरली करना क्या होता है, या तो इक्वेशन हमें पहले सेट करनी होती है, हमें कोई प्रैक्टिकल कंडीशन दी होती है, पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, हमें एक इक्वेशन दी होती है, जैसे कि यहाँ दी हुई है, उसको हमें सॉल्व करना होता है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे हमें क्या करना था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, n, 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 तो टोटली एक ही वेरिएबल है। तो ये कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर है।